हेलो क्लास, आप सबका स्वागत है। मैं उज्ज्वल सर आपको पढ़ाने वाला हूं अभी 12th की इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर बच्चों, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में जो बच्चों टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है, मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग करवा रहा था बच्चों, क्लासेस में भी रिपोर्ट राइटिंग किए थे हम लोग। ठीक है ना, रिपोर्ट राइटिंग बच्चों हम लोग क्लास में किए हुए थे। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है ना, रिपोर्ट बच्चों हम लोगों ने तैयार किया था। रिपोर्ट हमारी दो भागों में बटी हुई थी बच्चों, एक तो एक्सीडेंट्स के थे, ठीक है ना, और एक हमारा बच्चों जो था वो था इवेंट्स का। ठीक है ना, इवेंट्स का बच्चों, एक्सीडेंट का लिखने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले उस एक्सीडेंट्स वाले को लिखने के लिए सबसे पहले हमने क्या डालना है, हेडिंग डालना है बच्चों, क्या डालना है, हेडिंग। ठीक है ना, और विदाउट ब्लॉक, विदाउट ब्लॉक, कोई ब्लॉक नहीं बनाना होता है, हेडिंग डालना है विदाउट ब्लॉक, कोई ब्लॉक नहीं बनानी है, विदाउट ब्लॉक कोई ब्लॉक नहीं बनानी है बच्चों। ठीक है ना, किसी भी बक्से के अंदर इस हेडिंग्स को बंद नहीं करने हैं, ये हेडिंग्स बच्चों स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में लिखे जा सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखे जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, है ना, फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों, उसके बाद था कि दूसरा पॉइंट हमारा इस हेडिंग के ठीक नीचे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना, बाय लगा करके, क्या लगा करके बच्चों, बाय लगा करके, ठीक है, बाय लगा करके लिखने वाला क्या लिखता, अपना नाम लिखता है ना बच्चों, और उसके बाद डिजिग्नेशन लिखता, डिजिग्नेशन कि आखिरकार वह किस पद के लिए यह रिपोर्ट तैयार करता है, कौन सा पद है इसका। ठीक है, ठीक है ना, ये बच्चों नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, डिजिग्नेशन आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट था बच्चों कि उसके नीचे हमें सबसे साइड में क्या लिखना होता है, प्लेस लिखना होता है, कॉमा लगा करके डेट लिखना होता है। ठीक है, और डेट के आगे जस्ट बच्चों बिना कॉमा का मंथ लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद डबल डबल कॉलन लगाते हैं बच्चों, और फिर हम अपना जो कुछ भी रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं वो हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, और फिर ये हमारी रिपोर्ट राइटिंग क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है बच्चों, बच्चों इसके अंदर जो भी लिखते हैं वो क्या लिखते हैं कि जो एक्सीडेंट्स हैं, जैसे कि मैं एक्सीडेंट्स पे लिख रहा था, तो बच्चों जो एक्सीडेंट्स हैं वो कैसे हुआ, मतलब एक्सीडेंट क्या हुआ, कौन सा एक्सीडेंट था, व्हाट वाज द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट क्या था, है ना, कौन सा एक्सीडेंट था। ठीक है, उसके बाद बच्चों कब हुआ, ठीक है, कहां हुआ, ठीक है, उसके बाद बच्चों कैसे हुआ, ये लिखते हैं। ठीक है, ओके ओके, फिर लिखते हैं बच्चों कि ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ लाइफ, लाइफ का मतलब होता है बच्चों व्यक्ति की जीवन, कितने जीवन का लॉस हुआ उसमें एक्सीडेंट होने के बाद। ठीक है बच्चों, ओके, उसके बाद बच्चों रेस्क्यू का कार्य कैसे चला, रेस्क्यू का कार्य कैसे चला, ठीक है, वहां पे कितनी देर में एम्बुलेंस आई, ठीक है ना, किसी ने पुलिस को फोन किया तो कैसे किया, कब किया, कैसे आई पुलिस वहां से, कैसे लोग को जो है ना बचा करके वहां फटाफट हॉस्पिटल पहुंचाई गई, कैसे कोई व्यक्ति लेके भागा, एम्बुलेंस आई, कैसे आई, समझ गए ना, तो रेस्क्यू का कार्य। ठीक है, तो बच्चों उसके बाद बच्चों हम लोग अपील करते हैं लोगों से, ठीक है ना, कुछ आग्रह करते हैं कि भाई थोड़ा सा बच के रहो, ऐसा है ना, ठीक ठाक रहो। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारा जो है ना ये तैयार हो जाता है क्या, एक्सीडेंट्स का रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, अब बच्चों आ जाओ इवेंट्स पे, इवेंट्स पे बच्चों सब प्रोसेस ऐसा ही है, पहला काम ऐसा ही करना है, दूसरा काम ऐसा ही करना है, तीसरा काम बिल्कुल इसमें भी करना है, पहला काम एकदम सेम टू सेम बच्चों, दूसरा काम बिल्कुल सेम टू सेम, तीसरा काम बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है ना, ये वाला। अब चौथा काम जो बच्चों, मतलब किसी तीसरे में जो हम लोग ये जो बच्चों रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उस इवेंट में क्या लिखते हैं, तो बच्चों हम लोग इवेंट में लिखते हैं, इवेंट में लिखते हैं सबसे पहला पॉइंट्स कि नेम ऑफ द इवेंट, इसमें लिखते हैं, इसी लाइनों में लिखते हैं कि नेम ऑफ द इवेंट, नेम ऑफ द इवेंट बच्चों की ये इवेंट का नाम लिखिए कि कौन सा इवेंट है,
कौन सा ऐसा कार्यक्रम है, इवेंट्स मीन्स कार्यक्रम, ठीक है ना, कौन सा कार्यक्रम है, नेम ऑफ द इवेंट लिखना है। ठीक है बच्चों, नेम ऑफ द इवेंट लिखने के बाद बच्चों आपको क्या करनी है, क्या करनी है कि आखिरकार ये इवेंट्स किसके अवसर पे मनाई जा रही है, ओकेजन क्या है, ठीक है ना बच्चों, ओकेजन क्या है, कौन से अवसर पे मनाई जा रही है, इवेंट का नाम क्या है, ठीक है ना, इवेंट का नाम है कि 15th अगस्त सेलिब्रेशन, तो किसके अवसर पे मनाई जा रही है, 15th अगस्त इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे मनाई जा रही है, ठीक है ना, तो ओकेजन लिखना है। उसके बाद बच्चों ओकेजन लिखने के बाद फिर आपको है ना डे, दिन कौन सा था बच्चों, डेट कौन सा था, टाइम कब था, ठीक है ना, उसके बाद बच्चों जगह कौन सी थी, किस जगह हुआ, ये मेंशन करना है उसमें, डे डेट टाइम वेन्यू जगह कौन सी थी, ये मेंशन करना है बच्चों, ठीक है ना। चौथा बच्चों मेंशन करना है कि चीफ गेस्ट कौन थे आपके उस कार्यक्रम में, कोई ना कोई चीफ गेस्ट रहा होगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों पांचवा कल्चरल प्रोग्राम, चीफ गेस्ट को स्वागत करने के बाद बच्चों कौन सा कल्चरल प्रोग्राम था उसमें, ठीक है, कौन सी सांस्कृतिक प्रोग्राम थी, भाई गाना था, डांस था, ठीक है, स्पीचेज थी बच्चों। छठा लिखेंगे हम लोग कि स्पीचेज, ठीक है ना, किसने भाषण दिया, प्रिंसिपल सर ने दिया या फिर टीचर्स ने दिया, किसने दिया, ठीक है। उसके बाद बच्चों सातवां नंबर में हम लोग लिखते हैं चीफ गेस्ट मैसेज, ठीक है ना, चीफ गेस्ट मैसेज, ठीक है, चीफ गेस्ट मैसेज, ठीक है बच्चों, कि चीफ गेस्ट ने लोगों को क्या दिया, क्या मैसेज दिया, क्या कहा उसने, चीफ का, ठीक है, चीफ गेस्ट की मैसेज, ठीक है। उसके बाद बच्चों वोट ऑफ थैंक्स मतलब बच्चों क्या कि लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, जो लोग भी इस इवेंट पर आए थे, कार्यक्रम पर आए थे, उस लोग ने कैसे आपको जो है ना प्रतिक्रिया दी, कैसे दी, भाई नाराजगी से गए, खुश होके गए, तालियां बजा के गए, कैसे गए, ठीक है ना, तो ये लिखनी है आपको, ओके। और आपको उन्हें थैंक्स भी करना है इनके लिए, जहां पे भी वो आए थे आपके कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तो इस तरीके से बच्चों हमको तैयार करनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने इसका करवा दिया था बच्चों, इसके क्वेश्चन आप खुद करेंगे, समस्याएं आएंगी, लिखना इसी तरीके से, बस ये सब सारे पॉइंट्स इसमें मेंशन करने हैं, तो आप देखिए, खोजिए अपने क्वेश्चंस कि कौन से इवेंट्स का है, और उसको खोज करके लिखने की कोशिश कीजिए, नहीं आए तो मैं हूं ना, समझ गया ना, ओके, कोई दिक्कत तो चलिए बच्चों, ये रिपोर्ट राइटिंग हो गई, क्योंकि एक रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट मैंने बता दिया, एक रिपोर्ट राइटिंग मैंने आपको करवा भी दिया है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है, बस इसमें निम्न बिंदुओं का जो है ना अनुसरण करना है, ठीक है। तो बच्चों पीछे मत हटिए अपने काम से, अपनी मेहनत से, समझ गए ना, ये आपको याद रखनी है, वीडियोस देखिए याद हो जाएंगे आपको। चलिए मिटा दिया जाए इनको, ओके, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो मैं करवाऊंगा ना, उसमें शब्द मेरे होंगे ना, ठीक है, मेरा सोच होगा ना, तो फिर फायदा आपका नहीं होगा ना। अब आपका फायदा बताने से, ये बताने से कि कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, क्या क्या लिखना है उसमें, समझ गए, तो आप अधिक से अधिक जो है बच्चों वो क्वेश्चन को पढ़ें और उसको खुद से लिखने की कोशिश करेंगे, इसमें अपनी सोच के साथ, वो नहीं आता है तो मेरे से सहायता लें, ठीक है। चलिए अब बच्चों आते हैं हम लोग लेटर राइटिंग पर, किस राइटिंग पर, लेटर राइटिंग पर, ठीक है ना, अब हम लोग बच्चों आते हैं लेटर राइटिंग पर। चलिए लेटर राइटिंग, ठीक है, लेटर राइटिंग पर बच्चों, ठीक है ना, किस पर आते हैं, लेटर राइटिंग पर आते हैं, ओके। किस पर आएंगे बच्चों हम लोग, लेटर राइटिंग पर आएंगे, ठीक है ना, लेटर राइटिंग पर आएंगे बच्चों। इस लेटर राइटिंग के हमारे पहले प्रकार है कौन सा, ऑफिशियल, सॉरी बिजनेस लेटर, सबसे पहले हम लोग कौन सा लिखने वाले हैं बच्चों, बिजनेस लेटर, ठीक है ना, दूसरा कौन सा लिखने वाले हैं, ऑफिशियल लेटर बच्चों, ठीक है ना, ऑफिशियल लेटर लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना, कौन सा लिखने वाले हैं, ऑफिशियल लेटर, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग तीसरा कौन सा लिखने वाले हैं,
अप्लीकेशन फॉर अ जॉब, ठीक है, अप्लीकेशन फॉर अ जॉब लेटर ही लिखेंगे लेकिन ये कुछ अप्लीकेशन की तरह होगी, ठीक है ना, फॉर अ जॉब, एक जॉब पाने के लिए, ठीक है ना, लेटर ही लिखेंगे हम लोग। चौथा होगा बच्चों लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द एडिटर, एडिटर के पास लेटर लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारे मुख्य बिंदु होंगी बच्चों, ये निम्न लेटर्स लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग कौन सा स्टार्ट करें, बिजनेस लेटर। बच्चों बिजनेस लेटर किस कौन किसके बीच में होती है, तो बिजनेसमैन के बीच में होती है, ठीक है। जैसे मुझे आपसे जो है वह बच्चों मान लो कि मुझे जो है ना ढेर सारी है ना बुक्स मंगवानी है, बुक्स खरीदनी है आपसे, कॉपीज खरीदनी है, ठीक है ना, ओके। आपसे मान लीजिए कि मुझे सोने की जो है ना खरीदारी करनी है, ज्वेलरी की खरीदारी करनी है, समझ गए, कपड़े की खरीदारी करनी है, ठीक है। मान लीजिए बच्चों आप को मुझसे कुछ सामानों के दर प्राप्त करने हैं, दर जानना है। मान लो मैं बिहार में बैठा हूँ, आप राजस्थान में बैठे हैं, तो मुझे आपने लेटर लिखा कि भाई वहां पर सामानों के दाम क्या चल रहे हैं, सामान कैसे बिक रही है, कौन से सामान का मांग है, ठीक है ना, अभी मार्केट में कौन से आप वहां चला रहे हो, ये सब जानने के लिए। दो बिजनेसमैन के बीच में, मतलब दो बिजनेसमैन जब बातें करते हैं लेटर की सहायता से, तो वो क्या होता है बच्चों, बिजनेस लेटर होता है। समझ रहे हैं आप, बिल्कुल समझ गए होंगे, बिल्कुल बच्चों। अब हम लोग सबसे पहले कहाँ चलेंगे बच्चों, इसके फॉर्मेट पर, कि आखिर बिजनेस लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, बोलिए यहाँ आना, बिल्कुल। तो बच्चों मैं इनको मिटा देता हूँ, चलिए। तो फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर बच्चों, ठीक है, फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर, ठीक है बच्चों। देखिएगा सबसे पहले बच्चों सेंडर अपना एड्रेस लिखेगा, सेंडर अपना क्या लिखेगा, एड्रेस लिखेगा, लिख देगा, ओके। मैं साथ के साथ बताते भी चलता हूं बच्चों, सेंडर अपना एड्रेस कैसे लिखेगा, तो अपना मान लीजिए कि कोई एक संख्या लिख देगा, ठीक है। उसके बाद एक छोटी जगह लिख देगा बच्चों, जैसे कि बापू नगर, या फिर बाबू नगर है ना, या फिर बापू नगर लिख देगा, ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चों मान लीजिए जो है ना उसने लिख दिया बापू नगर कहां पर है, कुकस में है, और वो कुकस कहां है बच्चों, जयपुर में है। तो ये इस तरह से अपना सेंडर अपना एड्रेस लिख दिया, और बच्चों मतलब कि वह 10 नंबर के गली में बापू नगर में रहता है, जो कि कहां है, कुकस में और जयपुर में है। सेंडर जो एड्रेस अपना भेज रहा है ना, वो अपना एड्रेस लिखेगा यहां पर, ठीक है, पत्र लिखने वाला अपना एड्रेस लिखेगा, ओके। उसके बाद हम लोग डेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं, डेट कैसे लिखते हैं, इस तरीके से कि 10 तारीख, ठीक है, दिसंबर, ठीक है, और 2021, तो इस तरीके से। और बच्चों आपके क्वेश्चन में इस तरह से डैश डैश रहेगा, तो आपको इस तरह से डैश डैश लिखनी है, ठीक है ना, साल मेंशन नहीं करना है, ओके, ठीक है बच्चों। सेंडर लिखने के बाद बच्चों, सॉरी डेट लिखने के बाद बच्चों, उसके ठीक नीचे आपको क्या लिखनी है, उसके ठीक नीचे बच्चों लिखनी है आपको डिजिग्नेशन, क्या लिखनी है, डिजिग्नेशन किसका, रिसीवर का, ठीक है ना, डिजिग्नेशन लिख करके बच्चों ठीक इसके नीचे, ठीक उसके नीचे आप रिसीवर का एड्रेस लिखोगे, ठीक है ना, रिसीवर का बच्चों एड्रेस लिखोगे, ठीक है, ओके। तो आपने लिख दिया बच्चों कि आप किसके पास लिख रहे हो, ठीक है, द द मैनेजर, ठीक है ना, द मैनेजर, ठीक है, द मैनेजर, ठीक है। या फिर मान लो बच्चों आप लिख रहे हो किसके पास, मान लो आप लिख रहे हो किसके पास, कि खुराना, ठीक है, खुराना स्टोर, किसके पास लिख रहे हो बच्चों, खुराना स्टोर, ठीक है ना, खुराना एस्टेट को लिख रहे हो, ठीक है, डिजिग्नेशन क्या है ये, खुराना स्टोर है, ठीक है। रिसीवर एड्रेस क्या है बच्चों, खुराना स्टोर के मैनेजर को जाएगा, जो भी खुराना स्टोर पर जो भी लोग होंगे उसके पास एड्रेस पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अब एड्रेस क्या है बच्चों, तो मान लो हमने कह दिया, ठीक है, 20 नंबर, ठीक है, बड़ी चौपर, ठीक है ना, बड़ी चौपर, ठीक है, और उसके बाद बच्चों ये कहां है, जयपुर में, ठीक है ना, तो ये जयपुर लिख दिया, कोई दिक्कत
चलिए ठीक है। अब बच्चों उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से सब्जेक्ट लिख देंगे, डैश लगा देंगे, डॉट लगा देंगे, डैश लगाएंगे, और फिर बच्चों जो भी विषय है लिखने का वो तो लिखेंगे, ठीक है। आस्किंग 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 टू सेंड 50 नंबर ऑफ 50 नंबर ऑफ संजीव बुक, ठीक है। संजीव ऑफ 12th क्लास, संजीव ऑफ बच्चों 12th क्लास, ठीक है ना। एस एन जी आई भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना। संजीव ऑफ 12th क्लास, है ना। 12th क्लास की क्या भेजनी है? संजीव भेजनी है, कोई दिक्कत? ओके। उसके बाद अब बच्चों क्या लिखेंगे? उसके बाद हम लोग सैल्यूटेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सैल्यूटेशन, ठीक है ना। सैल्यूटेशन लिखेंगे बच्चों, ठीक है। सैल्यूटेशन कैसे लिखेंगे? या तो बच्चों हम लोग डियर सर लिखेंगे या फिर डियर मैडम लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके नीचे बच्चों हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे। कम्युनिकेशन का मतलब जो हमारी बातचीत है उनके बीच में वो हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे, जो भी हमें उनसे बातें करनी है वो कम्युनिकेशन करेंगे उनसे, ठीक है ना बच्चों। तो उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे? कम्युनिकेशन, ठीक है ना। कम्युनिकेशन करेंगे बच्चों, ठीक है। साथ के साथ मैं करवाती भी जा रहा हूं, तो मान लीजिए मैं कम्युनिकेशन करता हूं क्या क्या कि आई टेक, ठीक है, संजीव संजीव प्रकाशन 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 संजीव प्रकाशन बुक, ठीक है ना। आई टेक संजीव प्रकाशन बुक फ्रॉम यू, ठीक है ना, फ्रॉम यू। मैं आपसे संजीव प्रकाशन की बुक लेता हूं, ठीक है, ओके, लेता हूं। आई नीड 50 नंबर ऑफ संजीव प्रकाशन, ठीक है ना, संजीव प्रकाशन, ठीक है, एट अर्लीएस्ट, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, ठीक है, एट अर्लीएस्ट, जल्दी से जल्दी मैं संजीव प्रकाशन की बुक्स चाहता हूं, ठीक है ना, ओके ओके, ठीक है बच्चों। ये कम्युनिकेशन करने के बाद बच्चों फिर आप नीचे लिखेंगे, ठीक है ना, कुछ फ्रेजल सेंटेंस लिखेंगे बच्चों, ठीक है। कुछ क्या लिखेंगे? फ्रेजल सेंटेंस लिखेंगे आप, ठीक है ना, कुछ फ्रेजल सेंटेंस लिखेंगे, जैसे लुकिंग या फिर लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, ठीक है ना बच्चों। लुक फॉरवर्ड, भाई मैं एकदम इंतजार कर रहा हूं टू हियरिंग आपके रिप्लाई का, आपके सुनवाई का, फ्रॉम यू सून, आप जल्दी मेरा रिप्लाई करेंगे उसका इंतजार कर रहा हूं मैं, और ऐसा उम्मीद करता हूं, ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद बच्चों लिखोगे योर्स फेथफुली, क्या लिखोगे? योर्स फेथफुली, ठीक है ना, योर्स फेथफुली, ठीक है ना बच्चों। और योर्स फेथफुली लिखने के बाद बच्चों उम्मीद करते हैं बच्चों क्या समझ पा रहे हो, है ना, समझ पा रहे हो ये बात। और योर्स फेथफुली लिखने के बाद बच्चों आप क्या लिखोगे? फोर। और फोर लिखने के बाद बच्चों आप का कौन सा फर्म है, फर्म का मतलब कौन सी बिजनेस है, ठीक है ना, कौन सा बिजनेस, आपके बिजनेस का नाम क्या है, जैसे इसके खोलना स्टोर थे तो आपका क्या है, आपने लिख दिया फोर, ठीक है, फोर, ठीक है, काजल, फोर काजल बुक स्टोर, फोर काजल बुक स्टोर, ठीक है ना, काजल बुक स्टोर आपका है या फिर काजल बुक स्टोर की तरफ से आप लिख रहे हैं, ठीक है। और फिर अपना नाम लिखिए बच्चों, आपका नाम क्या है, तो लिख दीजिए मेरा नाम, भाई मेरा भी नाम खुदा ना खास्ता संजीव ही है, ठीक है ना, संजीव कुमार, ठीक है ना। और बच्चों आपका पद क्या है वो लिख दीजिए, भाई मैं मैनेजर हूं, भाई
मैं मैनेजर हूं, मैं है ना, रिस्पेक्ट करो मेरा, है ना। ओके, लिखकर समझ में आ रही है या फिर बच्चों लिख दो, ठीक है ना, ठीक है, लिख दो, मैनेजर ही लिख दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत, समझ में आ गई। तो इस तरह से ये बच्चों फॉर्मेट होती है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, ठीक है, मिटा दीजिए इनको। अब बच्चों खत्म हो गई, क्या खत्म हो गया आपका, और बिजनेस लेटर खत्म हो गया बच्चों। अब ढेर सारे बिजनेस लेटर आप कीजिए और फिर मुझे रिप्लाई कीजिए, बोलो हाँ या ना। खत्म हो गई ना, बिल्कुल खत्म हो गया बच्चों, फॉर्मेट खत्म हो गया ना, बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है, और जो तरीका खत्म हो गई ना, बिल्कुल खत्म हो गया। अब ढेर सारे क्वेश्चन कीजिए और फिर मुझे रिप्लाई कीजिए कि कैसा है आपका हालचाल, बोलिए हाँ या ना, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब आते हैं बच्चों ऑफिशियल लेटर पे, किस पे आते हैं, ऑफिशियल लेटर, ठीक है ना, किस पे आता है बच्चों, ऑफिशियल लेटर, ठीक है, ऑफिशियल बच्चों, कौन से लेटर पर, ऑफिशियल लेटर पे, ठीक है ना, ऑफिशियल लेटर पे आते हैं बच्चों, ठीक है, ऑफिशियल लेटर पे बच्चों। ऑफिशियल लेटर कैसे लिखेंगे, फॉर्मेट क्या होगा, इसमें बच्चों फॉर्मल लैंग्वेज का आप ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है ना, किसका यूज करेंगे, फॉर्मल लैंग्वेज का, ठीक है ना। ये बच्चों दो ऑफिशियल, ठीक है ना, कार्यालय में, दो कार्यालय में काम कर रहे लोग के बीच में बातें होंगी, दो कार्यालय, दो कार्यालय से संबंधित लोग, दो कार्यालय से संबंधित। भाई ऐसा भी हो सकता है कि आप कार्यालय में, जैसे मान लो कि स्कूल के आप गार्जियन हैं और आप अपने बच्चे की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप बड़े सर के पास जो है ना लेटर लिख रहे हैं, तो आप क्या हुआ, बिजनेसमैन थोड़ी भी, आप दोनों कैसे भी ऑफिशियली लोग हुए हैं ना, या तो कार्यालय तौर पर जुड़े हुए या फिर अर्ध कार्यालय, मतलब आप कहीं ना कहीं इस कार्यालय से बिजनेस से संबंध नहीं रखते हो, कार्यालय से संबंधित कार्य काम करवाना चाहते हो, समझ आ गई। तो बच्चों ये कौन सी लेटर होती है, ऑफिशियल लेटर होती है, ठीक है ना बच्चों। ओके बच्चों फॉर्मेट क्या है, सेम टू सेम, भैया यहाँ पे सेंडर एड्रेस होगा, किसका एड्रेस होगा, सेंडर एड्रेस होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या लिखोगे आप, डेट लिखोगे, उसके बाद बच्चों रिसीवर एड्रेस होगा, लेकिन उससे पहले बच्चों क्या लिखोगे, उससे पहले डिजिग्नेशन लिखोगे, बिल्कुल डिजिग्नेशन लिखोगे, ठीक है ना, डिजिग्नेशन लिखोगे बच्चों। आपका पद क्या है, लिख दिया द मैनेजर, द डायरेक्टर, ठीक है ना, मतलब जिस जो रिसीव करने वाला है वो कौन से पद का इंसान है। सेंडर एड्रेस तो अपना लिख दिया, आप भेज रहे हो ना, तो आप तो अपना एड्रेस यहां लिख दिए। अब बच्चों सेंडर का डिजिग्नेशन पद लिखोगे, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग क्या लिख रहे थे, बिजनेस लेटर में क्या लिख रहे थे बच्चों, यहां पर हम लोग फर्म का नाम लिख रहे थे, जो रिसीव करेगा उसका, उसके जो फर्म है, मतलब उसके जो बच्चों बिजनेस है उसके नाम का क्या क्या नाम है उसका। लेकिन यहाँ बच्चों हम लोग ऑफिशियल लेटर में से हम यहाँ पर हम लोग डिजिग्नेशन लिखते हैं, द प्रिंसिपल, द डायरेक्टर, समझ गए ना, द मैनेजर, और उसके नीचे फिर हम लोग उसका बच्चों एड्रेस लिखते हैं, समझ में आ रही है ना आपको, बिल्कुल हम लोग इसका एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। और फिर बच्चों हम लोग उसके नीचे क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं कि क्या काम है आपको, विषय बताइए, और उसके बाद बच्चों हम लोग या तो सर लिखते हैं या फिर मैडम लिखते हैं, डियर करके ना लगा करके हम लोग सर या मैडम लिखते हैं, ठीक है ना बच्चों। और फिर उसके बाद आप बच्चों यहाँ पे कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है ना, कम्युनिकेशन करते हो, जो अपनी बातें बतानी है वो कम्युनिकेशन करते हो, बातें जो बतानी है वो क्वेश्चन के आधार पर बतानी है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलो हाँ या ना। और फिर ठीक नीचे बच्चों हम लोग उसके क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, और बिल्कुल आपको जो है ना कुछ फ्रेजल सेंटेंस लिखने हैं तो, है ना, फ्रेजल सेंटेंस, ओके, या फिर संबंधित बात कि भैया है ना, धन्यवाद, अब जो है हम चाहते हैं कि आप हमारी बात जो है जल्दी से सुन लेंगे, ठीक है ना, होपिंग अ क्विक रिस्पॉन्स, होपिंग अ क्विक रिस्पॉन्स, भैया उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से इस पर रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि दो कार्यालय के लोग आपने कुछ समस्या बताई उसको, उस पर क्विक रिस्पॉन्स करेंगे। और फिर बच्चों उसके नीचे आप थैंकिंग यू लिखना नहीं भूलेंगे, है ना, थैंकिंग यू लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। और फिर बच्चों उसके नीचे आप योर्स फेथ फुली, ठीक है बच्चों, कई कई जगह हम लोग सिंसियरली भी यूज करते हैं, है ना, लेकिन अधिकतर आप फेथफुली का यूज करेंगे, ठीक है। और फिर बच्चों उसके नीचे आप क्या लिखेंगे, फोर नहीं लिखेंगे बल्कि सीधा नाम लिखेंगे आप, समझ गए ना, क्या लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, समझ गए ना,
क्या लिखेंगे आप? नाम लिखेंगे, ओके। और बस इतना ही काम आपका खत्म हो जाएगा बच्चों, आपका काम खत्म हो जाएगा और ये आपका ऑफिसर लेटर काम खत्म हो जाएगा। बोलिए हाँ है ना, जाके क्वेश्चंस कीजिए और ट्राई कीजिए, और नहीं हो तो फिर मेरे पास आइए, ठीक है? थैंक यू।